का जो उग्रवादी रूप से मानवीय विभेद, जातीय विभेद, हर प्रकार के विभेद के रूप में सिराज जिला के इतिहास में अखन उनका नाम भयंकर उग्रवादी के रूप में, जातीय उग्रवादी के रूप में स्थापित भेलैया, ये अहाँ सबके जानकारी देना चाहे छी। ई वडा अध्यक्ष अखन कोन सभा मात्र रे, हम सब प्रदेश सभा, हम सब केंद्र सभा तलिक के हमरा सब छोड़ब, ओकरा सबके एकदम कानूनी रूप में ओकरा सजाए होक चाहिए किया। हमरा सबके जखनी जे वोट लेके रहे छै तखनी हम सब, हमरा दलित आ गैर दलित कहाँ छुटियाबे छै उ सब, आ महिला पुरुष कहाँ छुटियाबे। यदि दलित सब अपन अधिकार नहीं खोते तो एहन एहन विभेद गांव में बहुते भ रहल है, जे विभेद के बाहर नहीं आवत रहल गांव में दबा के रख देल जा रहा है, अपमानित भ रहल है, बलात्कार भ रहल है, हत्या भ रहल है। अब हमी दलित चुप लागेर बस्नु हुँदैन, अब हमी दलित एकजुट भएर चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले दबाब दिनुपर्छ, बनेको कानुनलाई कानुनै गर्नु लाउनु पर्छ र सधैँ हामी सहेर बसिरह्यौँ भनेदेखि सधैँ नै यस्तै हेपाइ हुन्छ। यही मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ हामी दलित एकजुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलित समुदायका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरे। ओइठाम सहभागी जिल्लाके प्रमुख सिडिओ और ओइठाम ओकरा संरक्षण गर्नहार विभिन्न राजनीतिक दलके नेता सब, अखन के वर्तमान सांसद सब और ओकरा संगठन करनार प्रहरी प्रशासन सब मुखदर्शक भके देखलकै, ओकरा विरोध के नाम में सुनने तक आवाज नहीं लेलकै, वही सब से अखन के राज्य व्यवस्था, अखन के सरकार दलित विरोधी है, आय के गरीब विरोधी है, कह के हम सब ओकरा सख्त से विरोध करना चाहे छी, प्रतिवाद करना चाहे छी। पत्रकार हूँ, मेरे काम लेखने हो, तर निरपेक्ष तटस्थता कोही पनि हुँदैन, समाजमा निरपेक्ष तटस्थ कोही हुँदैन। दलितको मामलामा, गरिबका मामलामा, महिला विभेदको अन्त्यको मामलामा र बालबालिका जस्ताको मामलामा हामी पत्रकारहरू पक्षपाती हुनैपर्छ, र म सगर्व यहाँ भन्न चाहन्छु म दलितको पक्षपाती हुँ, किनभने यहाँ मुक्तिका लागि सङ्घर्षरत सदियौँदेखि 5000 वर्षदेखि अन्यायमा परेको वर्ग छ, यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने, सामाजिक रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने छुवाछुत समाजका अगुवा भनौताहरू, राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूले संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका छ। यो भगवानपुरको घटना, खास गरी यो 60 लाख नेपाली दलितहरूको आत्मसम्मानको बध हो, यो मानवता विरोधी अपराध हो। अगर वो हाम्रा सबके दलितके सम्मान नै दिन सक्दै, कोही संविधानमे लिखल जे नै लागू कर सकते, तो हमरा सबके अपमान करे के ओकरा कोनो हक अधिकार नै है, तैसा साथी सब तो बहुते कहलकै, तैसा हम कहेला चाहे छी कि ओकर तुरंत से तुरंत पद निलंबित होवे चाहिए, पद खारिज होवे चाहिए, ओकरा पर मुद्दा लगा चाहिए।